हेलो भाइयों, कार से प्यार की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई आज का टॉपिक ना भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आज के डेट में ये सबसे ज्यादा ये मतलब अहम टॉपिक बन चुका है कि ये कौन सी सेफेस्ट कार है ना। कि आजकल हर कंपनी, हर सब कोई जो बायर भी है वो सबसे पहले यही देख रहा है कि भाई सेफ्टी किसमें है। टाटा में है, महिंद्रा में है, मारुति में है, ह्यूंडई में है। मैं आपको ऐसे ही गिने चुने ब्रांड का नाम बता रहा हूँ। तो भाई आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि सेफेस्ट कार बिटवीन 5 लाख, मतलब 5 लाख और 10 लाख के बीच में, 5 लाख से एक शोरूम स्टार्ट होकर के 10 लाख के अंदर एक शोरूम तक कौन सी ऐसी सेफेस्ट गाड़ी है जो हम लोग को भारत में, इंडिया में देखने को मिलेगी 2023 में। तो भाई ये मैंने पूरा 13 कार की मैंने लिस्ट बनाई है, पूरी 13 कार्स है इसमें। तो भाई पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन करके मैं आपको जिसका एक शोरूम सबसे कम है उससे मैं आपको स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कार है, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, है ना। तो चलिए भाई आज की अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और भाई प्लीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज भाई स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोगों को फिर क्या होगा ना कि आधी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छे से पता चले एक एक चीज। और भाई एक और बात बताऊंगा कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि भाई अब आप लोग को डेली इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग को मैं देते रहूंगा। तो भाई चलिए टाइम बिना गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई लिस्ट में अपनी जो सबसे जो पहले जो गाड़ी आने वाली है वो है भाई टाटा की तरफ से टाटा टियागो। हर कोई इसको जानता है। मैं आप लोग ऐसे एक बार मॉडल समझा देता हूँ। ये भाई बेस मॉडल होने वाला है टियागो एक्सी। इसका भाई एक शोरूम प्राइस की अगर बात करें तो ये 5,53,900 से गाड़ी एक शोरूम स्टार्ट हो जाती है। इसने भाई 4-स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप में ये गाड़ी लाई है, जो कि एक बहुत अच्छी एनकैप रेटिंग है। और भाई अगर हम सेकंड लिस्ट में अगर गाड़ी की हम बात करें तो वो भाई ये निसान की तरफ से आने वाली भाई निसान मैग्नाइट एक्सी। इसने भी भाई 4-स्टार की अच्छी सेफ्टी रेटिंग इसने भी अचीव करी है 5 में से ग्लोबल एनकैप में। इसका अगर मैं बेस मॉडल की बात करूं तो इसका एक शोरूम भाई स्टार्ट होता है 5,99,900 रुपीज। और भाई थर्ड जो गाड़ी है वो भाई वो भी टाटा की तरफ से है भाई, वो पंच है। और भाई उसका अगर हम लोग बेस मॉडल की बात करें तो वो भाई प्योर होने वाला है। और इसने भाई एकदम जैसे बोलते हैं ना लाजवाब 5 out of 5 star रेटिंग इसने अचीव किया है भाई। और अगर हम एक शोरूम की बात करें तो ये भी इसका बेस मॉडल होने वाला है प्योर, ठीक है। इसका भी जो बेस मॉडल का प्राइस है वो है 5,99,900 रुपीज, ठीक है। और अब जो फोर्थ नंबर पे जो वो गाड़ी है वो भी भाई टाटा की तरफ से है। तो भाई आप लोग देख लीजिए टाटा की तरफ से कितनी गाड़ी है अच्छी जो मजबूत अपना जो बिल्ड क्वालिटी में 4 और 5 star रेटिंग। तो भाई अब जो फोर्थ में है वो है भाई टिगोर। इसका भी भाई बेस मॉडल की बात करें तो ये एक्सी का बेस मॉडल है। और इसका भाई एक्स शोरूम जो प्राइस है वो 6,19,900 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है एक्स शोरूम बेस मॉडल। और भाई फिफ्थ में है भाई, ये भी भाई टाटा की तरफ से है और इसको भाई कौन नहीं जानता। ये भाई टाटा की सबसे अच्छी प्रीमियम हैचबैक भाई एल्ट्रोस एक्सी इसका बेस मॉडल है। इसका एक शोरूम की बात करें तो 6,44,900 रुपीज में इसका बेसिक प्राइस जो है एक शोरूम का वो स्टार्ट हो जाता है। और भाई अगर हम अब हम सिक्स अगर हम बात करें भाई वो है भाई होंडा की तरफ से आने वाली होंडा अमेज, वो भाई ई है। और इसका भाई जो एक शोरूम जो प्राइस है वो है 6,89,000 ओनली, ठीक है। और भाई इसका जो अमेज है भाई इसको भी भाई 4 स्टार की अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब भाई हम लोग जो फिफ्थ में जो हम लोग जो बात करते हैं वो भाई रेनो की तरफ से आने वाली भाई रेनो ट्राइबर। ये भाई एक 7 सीटर गाड़ी है और भाई इस प्राइस में 7 सीटर बहुत अच्छी बात है जो रेनो प्रोवाइड करा के दे रहा है। और ये भी भाई ट्राइबर का बेस मॉडल रहने वाला है ट्राइबर आर एक्सी, ठीक है। इसका एक शोरूम प्राइस है 6,33,500 रुपीज। इसने भी भाई 4 स्टार्स की अच्छी सेफ्टी रेटिंग मैं बोलूँगा 4 स्टार को भी अचीव करके इसने भी दिखाया है। और भाई फिर जो हम लोग का भाई जो 6 नंबर पे जो गाड़ी रहने वाली वो है भाई टाटा की तरफ से आने वाली टाटा नेक्सॉन। और इसका भी ये भी भाई बेसिक इसका प्राइस है बेसिक मॉडल है सॉरी इसका भी आपका वही एक्सी मॉडल है। और इसका भाई एक्स शोरूम जो प्राइस है वो है 7,79,900 रुपीज। तो भाई अब अगर चलिए अगर हम ये तो भाई जो नेक्सॉन है इसको भाई 5 स्टार मिला था 5 out of 5 इसका जो सबसे पहली इंडिया की कार थी जिसने 5 स्टार रेटिंग अचीव करा था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो भाई अब भाई मारुति की तरफ से भाई ब्रेजा आएगी, है ना। ये भी भाई 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसने भी अचीव किया है ग्लोबल एनकैप में। और इसका भाई ये भी ये मॉडल आपका बेस होने वाला है बेस मॉडल LXi। इसका अगर एक शोरूम बात करें तो भाई ये 8,19,000 रुपये से इसका स्टार्ट हो जाता है बेसिक प्राइस, ठीक है।
और फिर अगर हम लोग बात करें तो भाई ये महिंद्रा की तरफ से आने वाली है XUV 300, और इसका भी भाई बेस मॉडल ही मैं बता रहा हूँ, ये भाई W4 होने वाला है यहाँ पे बेसिक। और भाई इसके अगर एक्सशोरूम की बात करें तो भाई इसका है भाई 8,41,499 रुपीज, ठीक है। इसको भाई 5 स्टार की भाई बेहतरीन XUV 300 को सेफ्टी रेटिंग मिली है महिंद्रा की तरफ से, ठीक है। और भाई अगर हम लिस्ट में दूसरी गाड़ी की अगर हम बात करें नेक्स्ट कार की, तो है भाई होंडा की तरफ से आने वाली भाई होंडा सिटी। और यहाँ पे भाई इसका भी मॉडल अगर मैं बता दूँ बेसिक मॉडल, इसका नाम है होंडा सिटी SV, ठीक है। SV इसका बेसिक मॉडल है। और भाई एक्सशोरूम की बात करें तो भाई 9,49,900 रुपीज़ का इसका बेसिक प्राइस होने वाला है एक्सशोरूम। इसको भी भाई 5 out of 4 stars इसने अच्छी अचीव करी होंडा सिटी ने, क्योंकि लास्ट गाड़ी है ना ये लिस्ट में, वो भाई उसको हर कोई सबसे मोस्ट डिमांडेड ये गाड़ी है जो हर कोई चाहता है, या फिर बहुत किसी की ये ड्रीम कार भी कह लीजिए महिंद्रा की तरफ से आने वाली एकदम अच्छी प्रॉपर SUV, वो है भाई महिंद्रा थार। और भाई इसका अगर एक्सशोरूम अगर हम लोग बात करें तो भाई ये है 9,99,000, मतलब भाई 10 के नीचे एक्सशोरूम मैंने आपको बताना था। तो भाई इसका अगर हम लोग मॉडल का बेसिक मॉडल अगर हम बात करें तो भाई ये AX ऑप्शनल बोल लीजिए या फिर AX2 बोल लीजिए, ये हार्ड टॉप में आती है भाई, और ये इसका बेस मॉडल है। तो भाई इसने भी भाई बहुत अच्छी भाई, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी होकर 4 स्टार अच्छी सेफ्टी रेटिंग अचीव करी है 5 में से ग्लोबल एनकैप में। तो भाई आप उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने इसमें भाई जो 13 गाड़ी जो मैंने जो अपने जो लिस्ट में जो करी है एक एक करके मैंने कम दाम से लेकर के 10 लाख के एकदम पास तक मैंने जितनी भी गाड़ी वो सब भाई मैंने आपको खुल के बताया है। तो भाई आप कमेंट करिएगा कि और क्या छूट गया, ठीक है, और मैं किस पे मैं वीडियो बनाऊँ और मैं आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दूँ। तो भाई और प्लीज़ भाई अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई चलिए आज की मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो भाई टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सीट बेल्ट पहनिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।